हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पर एक तो बायोलॉजी, और दूसरा टर्म लिया है बॉटनिकल, दैट मीन्स बॉटनी। यहाँ पर दूसरा टर्म है बॉटनी। दोनों से सभी स्टूडेंट्स, खास तौर से जो टेंथ पास करके आते हैं, इलेवेंथ क्लास में आते हैं या हायर क्लास में आते हैं, तो उनमें ये टर्म जो होते हैं वो कॉमन टर्म होते हैं, जो सभी अपन जानते हैं पहले से कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दो टर्म से मिला हुआ एक बायोलॉजिकल ब्रांच है, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दैट मीन्स अपन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें कि जो बायोलॉजी टर्म है, यहाँ पर बायो से बना है और यहाँ पर देखें अपन लॉगस से बना है। तो यहाँ पर अपन बायोलॉजी में अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और यहाँ पर लॉगस का मतलब आ जाएगा स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो फादर, अपन देखें कि बायोलॉजी का जो फादर है, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के ऊपर वर्क किसने किया है, तो अपन जानते हैं इसका जो है वो अरस्तु ने किया है। अरस्तु जिसे अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। इसी के साथ साथ अपन देखें कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, इसी अरस्तु को अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, अरस्तु है। इसके अंदर अपन देखें कि अरस्तु का जो वर्क है वो क्या था, कि जो सबसे पहले इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी, तो इन्होंने कंप्लीट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो ग्रुप में, या अपन कहें दो किंगडम के अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन टू किंगडम के नाम से भी जानते हैं, जिसको एक को नाम दिया था एनिमल और सेकेंड को नाम दिया था प्लांटी। आगे अपन थोड़ा सा देखें एक बार बॉटनी ब्रांच के बारे में। खास तौर से जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी की है, तो बीएससी में एक पेपर चल रहा होगा बॉटनी पेपर, और बॉटनी ब्रांचेस के अंदर खास तौर से तीन पेपर चलते हैं। और बॉटनी के बाद में अपन देखें तो एमएससी देखें, तो एमएससी के अंदर भी बॉटनी जो होती है वो सब्जेक्ट होती है, बीएससी और एमएससी, तो यहाँ पर बॉटनी सब्जेक्ट होती है। बॉटनी से अपन देखें कि बॉटनी क्या है, तो बॉटनी का हल्का सा इंट्रोडक्शन। बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी ही क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। दैट मीन्स प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, रिप्रोडक्शन आदि की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाती है, वनस्पति शास्त्र के नाम से अपन जिसे जानते हैं। इसमें इसका अपन देखें फादर, फादर ऑफ बॉटनी जिसे अपन जानते हैं थियोफ्रास्टस। जिनका नाम से अपन जानते हैं थियोफ्रास्टस के नाम से इसको जानते हैं। थियोफ्रास्टस जो है, इन्होंने सबसे पहले बॉटनी के बारे में स्टडी की थी और बॉटनी के बारे में एक बुक भी लिखी थी जिसे अपन जानते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने जो बुक लिखी है, इनका नाम, बुक का नाम आ जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसी जो बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम है, उसी का जो अल्टरनेट नेम है वो अपन देख सकते हैं इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इसी को अपन क्या जानते हैं नाम से, इंक्वायरी ऑफ या इंक्वायरी इनटू
प्लांट्स के नाम से जानते हैं। तो ये बोटनी का रहा, तो बोटनी का थियोफ्रस्टस था फादर, जिन्होंने बोटनी के बारे में बताया था, काफ़ी डीप स्टडी की थी। इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, और उसी को नाम से अपन जानते हैं इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। तो ये बायोलॉजी और बोटनी के विशेष तौर से, खास तौर से इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस चैनल में। और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी और बोटनी से बिलोंग करते हैं, वो किसी भी टॉपिक में अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे अपन इससे रिलेटेड डिस्कस कर सकें। तो ये जनरल मैंने बायोलॉजी और बोटनी का इंट्रोडक्शन बताया था, आगे अपन इनके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अपना यहाँ का एक इंट्रोडक्शन रहा, और अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड और एमएससी से रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।